शाहरुख खान जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद, यशराज फिल्म जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हर वो कलाकार जिंदाबाद है और रहेगा जो देश हित के लिए फिल्म बनाता है। शाहरुख खान जैसा कलाकार देश जोड़ने की बात करता है। शाहरुख खान ना हिंदू है ना मुस्लिम है, शाहरुख खान भारत है, हिंदुस्तान है और बॉलीवुड को पूरी दुनिया शाहरुख खान के नाम से जानती है। आगे पीछे कुत्ते भौंकते हैं, भेड़िए भौंकते हैं, शेर को दहाड़ने की जरूरत नहीं है, शेर का शब्द ही काफी है ये बताने के लिए कि हम ही राज करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हम सब, आप भी पत्रकार हैं और मैं कह रहा हूं कि देश को जोड़ने की बात करिए, बड़ा नाजुक हालात है। पहले दंगा करने के लिए एक विवाद चाहिए होता था, लेकिन आज बड़े बड़े चैनल वाले लोग एसी में बैठकर दंगा फैलाते हैं। और जो नफरती चिंटू जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो लोग अंग्रेज की नस्ल है, गौडसे के नस्ल है और वो उनका काम आजादी से पहले भी देश को तोड़ना था और आजादी के बाद भी है। लेकिन ये बताइए कि कुछ विरोध जब कश्मीर फाइल निकला था तो टिकट बांटा गया था, खड़ी है ना, प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा था, देश को तोड़ने वाली फिल्म थी, देश को तोड़ने वाली फिल्म थी, उस पर बातें मत करिए, उस पर बातें मत करिए। ने विरोध किया कि बायकॉट करना पड़ेगा, हम शाहरुख खान जो है उसका मूवी नहीं चले। हम नफरती चिंटू को भाव नहीं देते, हम दंगाई लोगों को अपने आस पास नहीं रखते हैं। इस देश में आज भी पॉजिटिव लोग हैं, आज भी इस देश में पॉजिटिव लोग हैं और जितने भी आसपास खड़े हैं ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये सब मेरे खून है, मेरे भाई है, हिंदुस्तान है। और जो नफरती चिंटू जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो लोग अंग्रेज की नस्ल है, गौडसे के नस्ल है और वो उनका काम आजादी से पहले भी देश को तोड़ना था और आजादी के बाद भी है। लेकिन शाहरुख खान जैसा कलाकार देश जोड़ने की बात करता है। शाहरुख खान ना हिंदू है ना मुस्लिम है, शाहरुख खान भारत है, हिंदुस्तान है और बॉलीवुड को पूरी दुनिया शाहरुख खान के नाम से जानती है। आगे पीछे कुत्ते भौंकते हैं, भेड़िए भौंकते हैं, शेर को दहाड़ने की जरूरत नहीं है, शेर का शब्द ही काफी है ये बताने के लिए कि हम ही राज करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और पठान जिंदाबाद फिल्म अच्छी रहेगी, चलेगी। शाहरुख खान 4 साल पहले जीरो था क्योंकि जीरो फिल्म नहीं चली, लेकिन 4 साल बाद शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग पर फोकस किया, शाहरुख खान ने मेहनत किया और शाहरुख खान ने इस हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया कि सिर्फ बॉर्डर पर जाने वाला ही देशभक्त नहीं हो सकता है, हम अपने कला के माध्यम से इस देश को इस समाज को हम जागरूक कर सकते हैं। तो वही देखिए, वो भटके हुए लोग हैं, गौडसे के औलाद हैं, अंग्रेज के, कहते हैं ना कि हम सब, आप भी पत्रकार हैं और मैं भी पत्रकार हूं और मैं कह रहा हूं कि देश को जोड़ने की बात करिए, बड़ा नाजुक हालात है। पहले दंगा करने के लिए एक विवाद चाहिए होता था, लेकिन आज बड़े बड़े चैनल वाले लोग एसी में बैठकर दंगा फैलाते हैं। हमें और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सही, आपने जिस जिम्मेदारी को उठाया है इसको सही तरीके से उठाएं। और मैं फिर कह रहा हूं कि पठान फिल्म ही नहीं, पठान फिल्म जैसी जितनी भी देशभक्ति फिल्म है, चाहे वो सन्नी देओल की हो, सुनील शेट्टी की हो, अक्षय कुमार की हो और शाहरुख खान या सलमान खान की हो, देखनी चाहिए। इस बात मुझे और बताइएगा आप कि इस पिक्चर का जो विरोध हो रहा था उसका मेन कारण क्या था? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, ठीक है। कुछ लोग गलत कह के पैसा कमाते हैं, कुछ लोग सही कह के पैसा कमाते हैं, तो वो भी 2014 के बाद तो ये देश बेरोजगार हो गया ना भाई, तो अब पैसा कमाने का जरूर सिर्फ पकौड़ा बेच के पैसा कमाया जाए, कुछ लोग नफरत फैलाकर भी पैसा कमा रहे हैं। बस शाहरुख खान जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद, यशराज फिल्म जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, गौरी खान जिंदाबाद, सलमान खान जिंदाबाद, शाहरुख खान जिंदाबाद, अक्षय कुमार जिंदाबाद, आमिर खान जिंदाबाद, हर वो कलाकार जिंदाबाद है और रहेगा जो देश हित के लिए फिल्म बनाता है। जय हिंद।